आयुर्वेदा ब्यूटी विद नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाथ पैरों की रंगत को निखारने के लिए कुछ छोटे छोटे सिंपल से घरेलू नुस्खे। ये जो हम आज आपको एक नुस्खा बताएंगे, इसमें सिंपल से दो या फिर तीन स्टेप है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये आपके हाथ पैरों से मैल, सनटेन और जो भी गंदगी पूरे दिन लगती रहती है, बहुत सारे लोग अपने पैरों की केयर नहीं करते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से जर्म्स हो जाते हैं, उन सभी को हटाएगा, इसकी रंगत भी साफ करेगा। तो चलिए देखते हैं इसको और ये अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखते ही हैं कि पैर अक्सर सबसे ज्यादा गंदे होते हैं एंड इन्हीं का कलर सबसे ज्यादा खराब हो जाता है। तो सबसे पहले पैरों को वॉश कर लें। आप किसी भी शैम्पू के साथ पैरों को नॉर्मली वॉश कर लीजिए, जिससे सारी गंदगी पैरों की निकल जाए। इसके बाद हमने यहाँ पर एक कच्चा आलू लिया है, इसको हम इस तरह से कुछ कट कर लेंगे जिससे इसका जूस इजीली निकल सके। इसके बाद हम चुटकी भर हल्दी दोनों पीसेस पर रब कर देंगे। और अब हम पैरों पर इस आलू को हल्के हाथों से गोल गोल रब करेंगे। ये काम आप टीवी देखते हुए, म्यूजिक सुनते हुए कैसे भी कर सकते हैं, जब भी आप थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं यानी टीवी वगैरह देख रहे हैं, बस आप आलू पर थोड़ा हल्दी ले लीजिए और हल्के हाथों से आप पैरों पर या फिर हाथों पर इसको हल्के हल्के रब करिए। ये काम आपको लगभग 3-4 मिनट के लिए करना है, जिससे कि आलू का जो भी जूस है वो प्रॉपरली पैरों को क्लीन कर पाए। हल्दी एंटीबायोटिक है, तो नेल्स पर लगाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो भी जर्म्स या फिर गंदगी चारों तरफ आ जाती है वो भी अच्छे से निकल जाएगी। बीच बीच में इसके रस को अच्छे से निकालने के लिए हम चाकू की हेल्प से इस तरह से आलू का रस आप निकाल लीजिए। जब 3-4 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि पैरों या हाथों जहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जो पोटैटो का ब्लीचिंग इफेक्ट है वो आपको दिखाई देने लगेगा, यानी आपको एक हल्की लाइटनिंग अपने पैर हाथों में दिखाई देने लगेगी। उसी के साथ यहाँ पर हमने हल्दी का यूज़ किया है, तो हल्दी भी आपको खूबसूरत बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। हो सके तो आप कसूरी हल्दी का यूज़ करें। कस्तूरी हल्दी जो स्पेशली स्किन के ही लिए यूज़ की जाती है, जिसका बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होता है, यानी बहुत सारे लोगों को हल्दी सूट नहीं करती है, यानी उनको दाने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत अच्छा है कि कस्तूरी हल्दी आती है, आप उसका ही यूज़ करें एंड देखिए आपको खुद से डिफरेंस नज़र आने लगेगा। इसके बाद हम पैरों को नॉर्मली वॉश कर लेंगे और हल्का कोई भी टॉवल या कोई कपड़ा लेकर इसको टैप कर लें। मैं आपको दोनों पैरों के बीच का इसलिए डिफरेंस साथ के साथ दिखा रही हूँ, जिससे आपको खुद से फील आए कि हाँ कुछ अलग डिफरेंस आया है। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे एक लेमन, जिस नींबू में बहुत थोड़ा सा रस रह जाता है, यानी बस हमने उसमें थोड़ा सा ही रस छोड़ दिया है, लगभग 1/4 चम्मच के करीब, ऐसा आप नींबू ले लीजिए। इसमें थोड़ा सा मलाई लगा लीजिए और थोड़ा सा शहद, यानी 1-2 बूंद शहद लगा लीजिए। ये आपके हाथ पैरों को सॉफ्ट स्मूथ तो बनाएगा ही, उसी के साथ ये पैरों की रंगत को निखारने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो बस हम हल्का हल्के हाथ से चारों तरफ इसे मसाज कर लेंगे और कुछ देर के लिए इस पैक को इसी तरह लगा हुआ छोड़ दें। स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन ऐसा लगेगा कि शायद हल्दी की वजह से ये जो हमारे पैर या हाथों का कलर है वो हल्का हल्का पीला पीला दिख रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने हाथ पैरों में कलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे, आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगेंगे।
हल्दी जब भी आप स्किन पर अप्लाई करते हैं तो एक वॉश के बाद वो इतना ज़्यादा नहीं निकलती है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली निकल जाएगी, वो हल्का फुल्का रह जाता है। तो इसलिए यदि आप पैरों पर लगा रहे हैं या हाथों पर लगा रहे हैं तो हल्का सा आप कोई सॉक्स वगैरह या फिर पुरानी बेडशीट का ही यूज़ करें सोते टाइम, बट इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको बहुत ही अमेजिंग मिलेगा। तो ये देखिए हमने पैक लगा लिया है, यहाँ पर हमने हनी का यूज़ किया है, मलाई का यूज़ किया है, जिसकी वजह से पैरों पर जो भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने लगती है स्किन पर वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिमूव हो जाती है। तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 5-10 मिनट इस पैक को लगाने के बाद पैरों को वॉश कर लें और आप पैरों में एक अच्छी शाइन सॉफ्टनेस को पाएंगे।